ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अगर अभी मैं अपनी मेल बॉक्स को उठाकर देखूं तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रखी हैं कि गुरु जी को ऐसा मंत्र दीजिए जो कि पल भर में काम कर जाए और मारण से रिलेटेड हो। तो मारण के मंत्र जो है इस हफ्ते मैं आतिश वाले आपको बताऊंगा, आतिश यंत्र कैसे बनाते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं और किस तरह से आप इसको अपने काम में ला सकते हैं। सबसे पहले मारण मंत्र जो है इनका प्रयोग कभी भी किसी का अहित करने के लिए ना करें, वरना इसका दुष्प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। और कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसका कि दुष्प्रभाव पड़े, लेकिन जब हम उच्चाटन और मारण कर्म करते हैं तो इनमें जो है चीज़ें बैकफायर हो सकती हैं। तो जब भी आप कभी किसी का मारण करें या उच्चाटन करें तो उसमें आपको अपनी सुरक्षा पहले कर लेनी चाहिए। कल मैंने मारण की आपको जो है एक आयत बताई थी, उसको आपको जलाना था, और आज मैं आपको बताऊंगा जो कल रह गया था, लक्ष्मण रेखा कैसे बनाते हैं, अपने आप को कीलन कैसे करते हैं। तो जब भी आप मारण करें तो एक चक्कू अपने साथ ले जाएं और उस चक्कू से अपने बाहर बाहर एक गोला बनाएं और उस गोले को बनाते हुए ये मंत्र बोलें, आप बांध चाप बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध। ये आपको बोलते हुए जाना है। इसके बाद बोलना है, आकाश बांध पाताल बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध। इसके बाद आपको बोलना है, उत्तर बांध दक्षिण बांध, दुश्मन का हाथ पैर पांव सारा शरीर बांध। ये ऐसे बोलते हुए आपको ये अपना गोला पूरा कर लेना है। और अगर बोलने में कोई दिक्कत आए या फिर कोई भी परेशानी हो तो आप मेरी वेबसाइट searchstops.com पे जा सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में इसका जो है इलैबोरेशन आपको मिल जाएगा किस तरह से इसको करना है। तो जब आप अपनी सुरक्षा कर लें, अपना एक घेरा बना लें, उसके अंदर बैठ जाएं और ये आतिश यंत्र बनाना शुरू करें। इसको भी सरसों के तेल में कोयले, काले कोयले से और कौवे की पंख से इसको बनाना है। जैसे जैसे आप यंत्र बनाएं तो अपनी पूरी भावनाएं इसमें डाल दें कि जो भी आप चाहते हैं वो फलित होगा, जैसा आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और इस यंत्र के हर एक शब्द में वो अपना आक्रोश भर दें कि जो भी आपका दुश्मन है वो क्षण भर भी टिक ना सके। ऐसा करते हुए आपको ये आतिश यंत्र बनाना है और इसके पीछे जो है अपने बैरी का नाम लिख देना है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम लिखकर इसको जला देना है। अब दिशा का अगर आप ध्यान रखें तो दिशा होगी जहाँ से सूरज निकलता है। हमेशा याद रखिए, जहाँ से सूरज निकलता है उसकी तरफ आपको मुख करके बैठना है। इसको जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब ये जल जाए तो आपको पीछे मुड़कर कतई नहीं देखना, चुपचाप घर आ जाना है। और जो भी स्थान होगा उसका चयन ऐसा करें कि जिस पर कि आप रोज़ जा सकें। ऐसा ना हो कि आप एक दिन तो चले गए दूर और दूसरे दिन किसी और जगह पर कर दिया। नहीं, जो एक स्थान आपने जिसका भी चयन किया है उसी स्थान पर आपको जाना है 7 दिन तक। 7 दिन तक आपको यही क्रम जो है अपनाना है और 7 दिन तक अगर आप ये करते हो तो 7 दिन के भीतर भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा। बहुत सारे जिज्ञासु आते हैं जो पूछते हैं कि गुरुजी अगर कीलन ना कर पाए और ये यंत्र बना ना पाए या फिर बाहर ना जा पाए, घर में ही कर लें तो क्या होगा। तो देखिए, आप वशीकरण, शांतिकरण, इन कर्मों में कोई चूक कर सकते हैं, लेकिन जो मारण है उसमें ज़रा भी कोताही नहीं बरती जा सकती। आपको जिस तरह से बताया गया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये घातक हो सकती हैं आपके लिए। आप करने किसी का मारण जा रहे हैं और खुद मर के आ गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए किसी गुरु का सानिध्य लीजिए, उनसे परामर्श कीजिए कि कैसे करना है। वो 2-4 बातें आपको और बता देंगे कि क्या करना है इसमें, क्योंकि जब भी मारण कर्म आता है तो इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट आ जाते हैं जो आपके ऊपर हो सकते हैं, अभी नहीं तो भविष्य में। अब कई लोग कहते हैं कि कई सालों से मेरा धंधा बंद है, कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कैसे होता है ये सब कुछ। ये सब कुछ स्तंभन से होता है। जब कोई ज़्यादा ही
कोई ऐसा व्यापारी हो जो ज़्यादा ही अपना वर्चस्व स्थापित करने लग जाए और चारों तरफ उसकी हाहाकार हो रखी हो, उस समय कई जो हैं कुदृष्टि वाले लोग वो स्तंभन करा देते हैं कि वो जो बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा उसको बंद कर दिया जाए तंत्र क्रिया से। माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ जाते हैं। तो संबंध क्रिया में कुछ ऐसा होता है कि आप किसी को भी बांध सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो या फिर किसी की दुकान अच्छी चल रही हो, तो द्वेष में आकर लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना पाप है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तंत्र के ज्ञाता ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और ये मैंने बहुत बार देखा है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, स्तंभन क्रिया अगर आपके ऊपर हो रखी हो, तो एक बार 9999284-1625 पर कॉल करें। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपका जो बंद व्यापार है, जो ताले लग गए हैं जहां पर, उनको भी खोल दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें हम देख नहीं पाते और इसलिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस चीज़ का आपने इस धरती पर नाम सुना है वो सब कुछ है, इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नहीं हो सकती। सब कुछ पॉसिबल है, बस करने वाला चाहिए। मारण क्रिया की बात करें तो ये इतनी प्रसिद्ध थी कि बाहर से लोग आते थे हमारे यहाँ ये सीखने के लिए, लेकिन आजकल ये लुप्त होती जा रही है। और इसीलिए जो मारण कर्म है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको जलने में कम से कम 3-4 महीने लगे होंगे, और सोचिए उसमें कितना कुछ रखा होगा, कितने कुछ ग्रंथ होंगे कि दुनिया पढ़ने आती थी वहाँ पर। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि सारा वो सामान उठाकर अपने वहाँ ले गए, और अब सबसे ऊपर अंग्रेज हैं। लेकिन हमारा ज्ञान अभी भी हमारे पास है, बस ज़रूरत है तो उसको सीखने की इच्छा रखिए, आप सीख जाएंगे। तो ये मारण कर्म कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसने कितना जल्दी आपके लिए इफ़ेक्ट दिखाए हैं। सिर्फ इसलिए मत कीजिएगा कि आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं, जब कभी जान पर बनाए तभी कीजिएगा। मुझे इसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस आप तभी करें जब आपकी जान पर बनाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है इनकी मनाही है तंत्र में। तंत्र में अंकुश लगा हुआ है इन चीज़ों पर, अगर आप इसको करते हैं तो पाप के भागीदार होंगे। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशन होती है, कभी कभार या फिर ज़िंदगी में कोई मोड़ ऐसा आ जाए जहाँ पर यूज़ करना पड़े, तो मुझे एक मेल भेज दीजिएगा कि कितने दिन में इसने काम किया और कैसा काम रहा। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो कॉल कीजिएगा 9999284-1625 पर। धन्यवाद।